गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम. एज इन द लास्ट वीडियो आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन विच इज अपॉन द टॉपिक सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम. जस्ट सी स्टूडेंट्स ओवर देयर व्हाट वी विल डू. हेयर वी आर टेकिंग टू पार्टिकल्स हैविंग मास एम वन एंड एम टू. I considered this as the particle A and that is the particle B. Both are having mass m1 and here it is having mass m2. And their position vectors I took as r1 for the m1 particle and r2 for the m2 particle. These position vectors are from the origin to the masses of two system. Now we considered two particles in this system. So I had just assumed this thing that its center of mass is lying where these two masses are joining with each other. It is not must that always center of mass lies in the center of the particles, but here I just assumed this thing that center of mass is lying in the center of these two masses where these lines are joining with each other. So, इसका पोजिशन वेक्टर आर वन एंड हैर इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर टू. नाउ द सेंटर विच आई हैव कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ मास इट्स पोजिशन वेक्टर इज कैपिटल आर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन. सो बाय दीज टर्म्स वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल्स. विच टर्म्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग एम वन आर वन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, एम टू आर टू फॉर द सेकेंड पार्टिकल एंड दे आर मूविंग विथ समवट वेलोसिटीज ऑल्सो. सो टू एम वन आई कैन गिव वेलोसिटी वी वन एंड टू एम टू आई कैन गिव वेलोसिटी वी टू. जिस कम ओवर हियर व्हाट आई हैव रिटन, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. सी बेटा, इट इज नॉट मस्ट दैट एवरी सिस्टम विल कंसिस्ट टू पार्टिकल्स. सिस्टम कैन कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट टू सॉल्व द डेरिवेशन एंड टू हैव द इजी कैलकुलेशन आई टुक टू पार्टिकल सिस्टम. सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास एम वन एंड एम टू एंड पोजिशन वेक्टर्स आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली. नाउ सी, these are two particles m1 and m2. I just suppose that they are applying forces on each other. अब इन पे external force भी लगेगी, m1 m2 पे लगाएगा और m2 m1 पे. एक हमारे पास external force होती है and the next is internal force. Internal force की वजह से कोई भी object movement नहीं show करता, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है एंड बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड देयर सम बिकम्स जीरो. सो वी विल नॉट कंसीडर ओवर हियर द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बट वी विल टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल फोर्स. जस्ट सी, सो एफ वन वेक्टर एंड एफ टू वेक्टर आर द एक्सटर्नल फोर्स एंड एफ वन टू एंड एफ टू वन आर द इंटरनल फोर्स which will get cancelled out because they are equal in magnitude but opposite in direction. अब कोई example भी ले सकते हैं, जैसे suppose table है, table एक rigid body लेते हैं, अब उसके बीच में internal forces तो लग रही है but internal force की वजह से table कभी भी move नहीं करेगा because the internal forces are same in magnitude but opposite in direction. But suppose if I am pushing that table, obviously it will move because I am applying external force on that. So internal forces will become zero. Now just see over here, its sum will become zero. I will not solve it further. So F vector, that is total force, is equal to F1 plus F2 plus F12 plus F21. This will become zero. Now F vector, अब F1 what is force क्या? According to Newton's second law, force हमारे पास क्या होता था? Rate of change of linear momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? एम वी. लीनियर मोमेंटम इज एम वी. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो सेम आई हैव रिटन, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम वन वी वन. दिस इज रेट. रेट मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम. चेंज डी बाई डी टी. So I have written m1 v1, same for the f2, I can write d by dt for m2 v2. Now can I take this d by dt term as common outside and inside the bracket I kept these two terms that are m1 v1 vector plus m2 v2 vector. Now we know velocity is equal to rate of change of
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, इट मीन्स इट हैज कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट, इट हैज चेंज इट्स पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट एंड सॉरी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी कैसी है, जब ऑब्जेक्ट की क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पाथ। सो इन प्लेस ऑफ वी वन कैन ए राइट डी आर वन, आर क्या है, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम फॉर द वी टू वेक्टर, कैन आई राइट डी आर टू बाई डी टी। नाउ वट कैन आई डू, आई कैन टेक दिस डी बाई डी टी फ्रॉम हेयर एंड हेयर ऑल्सो आउटसाइड द ब्रैकेट, सो इट विल बिकम डी टू बाई डी टी स्क्वायर एंड इन साइड द ब्रैकेट द टर्म लेफ्ट इज एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर। नाउ वट आई विल डू, I will just consider that M1 plus M2, that are masses of two objects, are same. I just considered this thing that these two masses, suppose this is also 5 kg and this is also 5 kg. So, I just considered both of the masses are equal to capital M, that is total mass. Now, what I will do, I will multiply and divide by this term on the right hand side of this equation. So, F vector will be equal to, can I write over here capital M and I will divide by M1 plus M2. Now we know that according to Newton's second law of motion, F is equal to ma, that is total force is equal to capital M and acceleration exerting on the center of mass. So in place of F vector, I can write ma and here m d2 by dt square. Now d2 by dt square kya hai hamare paas? Acceleration kya hoti hai? Change in velocity. That we know that acceleration is change in rate of change of velocity dv by dt. और एक्सेलरेशन के मैं और क्या लिख सकती हूँ, डी टू बाई डी टी स्क्वायर, वी की जगह क्या आ सकता है, कैपिटल आर। आर का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। डी आर बाई डी टी तो हो गया हमारे पास वेलोसिटी, अगर डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दूंगी देन आई विल गेट एक्सेलरेशन। सो दिस टर्म कैन आई राइट दिस टर्म एज द कैपिटल आर बिकॉज आई एम डूइंग द डबल डेरिवेटिव ओवर हियर, सो एम विल गेट कैंसल्ड बाय एम एंड सेंटर ऑफ मास that cent, this is r, can I write this as r, center of mass equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. So this point having position vector r center of mass is called the center of mass. So that is the derivation for the center of mass for a two particle system, which is very easy and important also. That relation we will use in so many numerical problems, so it is very very important. Try to do it by yourself and do again and again practice of it. The next topic which we'll have is momentum conservation and center of mass of motion. See, velocity of center of mass is constant. Now, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सपोज मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो मास सेंटर ऑफ मास, सपोज यहाँ पे सेंटर पे सारा मास कॉन्स्टिट्यूट है, अब ये ऑब्जेक्ट का मोशन और सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे भी पार्टिकल्स का मोशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा अंटिल आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, देन इट्स सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। सो कैन आई राइट, लेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एफ कैन आई राइट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आई कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन केस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सो इन प्लेस ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स आई कैन पुट जीरो। d upon dt can I take outside the bracket? So d upon dt. अब m है यहाँ पे, वो m उधर जाके क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, it will get divided, it will become zero. Remaining term is d by dt v center of mass which is also equal to zero. And this thing we know that derivative of constant term is always zero. अगर इसका derivative मैं zero के equal लिख रही हूँ, it means the term is constant. So center of mass, velocity of center of mass, जो उसके center में particle है या जहां पे उसका center of mass है, उन particles की velocity क्या है, constant. So this thing we have proved by doing this expression. Second part we are having linear momentum of system of particles. Linear momentum of system of particles, we will take n particles.
Now just suppose external forces are F1, F2, Fn produces acceleration. अब उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस करेगा. इट इज वेरी ऑब्वियस. सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जो F1 लगाई, F2 एंड सो ऑन अप टू n. इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही सो आई कैन राइट इट एज जीरो. एंड F इन प्लेस ऑफ F1 आई कैन राइट M1A1, इन प्लेस ऑफ F2 M2A2, एंड इन प्लेस ऑफ Fn MnAn. अब ये टर्म क्या होगी, जीरो. एंड इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हेयर ऑल्सो. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी आर अज्यूमिंग दैट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सो कैन आई राइट दिस थ्री टर्म्स इक्वल टू जीरो. अब इसका डेरिवेटिव बाहर निकाल देंगे, d/dt कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, M1V1, M2V2 अप टू सो ऑन. अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स इज ऑलवेज जीरो. डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स इज ऑलवेज जीरो. सो आई कैन राइट हियर M1V1 plus M2V2 up to so on is equal to constant, and further this MV is equal to linear momentum, that is P1 P2 constant. So this is the topic or this is the derivation for the linear momentum of system of particles. Then last one we are having for today's video session is for a system of n particles. Here we will derive related to center of mass. As in the last topic, I told you that center of mass equal to M1R1 plus M2R2 upon M1 plus M2. This was for the two particle system, and here I am having the n particles. So can I write M1R1, M2R2 up to so and divide by M1 plus M2 up to n, Mn. This term is equal to total mass. So I can write it outside the brackets, and inside we are having M1R1 plus M2R2 plus up to so on. Now what I'll do? I'll do differentiation on the both sides. So after differentiating, I will get these terms. Again, this differentiation will go inside, and we know that rate of change of displacement is equal to velocity. Here also same thing. And as we know, momentum is equal to mass into velocity. So here I can write P1 for this, P2 for this, Pn. Velocity, and dr/dt, rate of change of displacement is equal to velocity. So velocity became equal to P vector upon m. As the sum of these stores all momentum, I can write as capital P. Clear? So V center of mass equal to 1 upon M capital P. This M will go over that side. So momentum became equal to MV center of mass. Hence we find that total linear momentum of system of n particles is equal to product of mass and velocity of its center of mass. So that is a topic for the system of n particles. Here we have derived for the simple momentum, constant momentum, and here we derived for system of momentum for the system of n particle. So this was our today's topic.